नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार जिले के ग्राम मुराड़ में लगी भीषण आग। मनावर थाना अंतर्गत ग्राम मुराड़ से बीती रात्रि 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से 4 किसान परिवार सीताराम, शांतिलाल, रुखड़िया, मुवेल और विधवा सुमन बाई के मकान हुए जलकर राख। लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ। जब आग लगी उस समय पीड़ित परिवार गर्मी के कारण घर से बाहर सो रहा था। आग का पता तब चला जब कुछ जलने की बदबू पीड़ित परिवारों को आई तो देखा घर में आग लगी है। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर गांव के सभी लोग आग बुझाने दौड़े और मनावर नगर पालिका और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को गांव वालों ने सूचना दी। तभी तुरंत दोनों फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। तब तक गरीब किसानों का लाखों का घरेलू नगद जेवर, बर्तन, सामान आग में जलकर खाक हो चुका था। परिजनों ने बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल गया है। हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं सिर्फ ये बचे हैं, मगर प्रशासन की ओर से पीड़ित किसानों की मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए धार से कपिल तिवारी की रिपोर्ट। बाहर सोए थे, अचानक आग लगी और जैसे आग लगी जैसे हम उठे और चिल्लाए तो अड़ोस पड़ोस के आए और उसके बाद फायरिंग अल्ट्राटेक फायरिंग वो आग बुझाने वाली मशीन को हमने फोन लगाया, वो आई और उसके बाद वो मनावर वाली आई और आग बुझे। ये तो लाखों का सामान जल गया सर। राम कुमार, क्या घटना घटी थी आपने? आग लग गई। कितना क्या नुकसान हुआ? बहुत हुआ, खाली शरीर पर का कपड़ा रह गया और सामान चांदी सब कहीं होता, दाना खाने को पीने को कुछ पीने, छाव में बैठने के छाव नहीं रहा। अभी तक कोई आया कि नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। सिहोरा के पास सड़क हादसे में छिंदवाड़ा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 घायल। सिहोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह कार व ट्रक की भिड़ंत में कार सवार माता पिता सहित एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार की अन्य 3 महिलाएं घायल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मुश्किल से लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूरा परिवार फतेहपुर उत्तर प्रदेश से शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर छिंदवाड़ा लौट रहा था। घायल 2 महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब जबलपुर से छिंदवाड़ा की ओर जा रही कार छिंदवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। उसी समय वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले कार को ट्रक के नीचे निकलवाया, इसके बाद कार में शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाए। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में पिछले 8 वर्षों से जिले का एक किसान न्याय की गुहार लगा रहा है और हर बार जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सिर्फ कार्यवाही के नाम पर कोरा आश्वासन ही दिया जाता है। जिला प्रशासन से लेकर उप सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल और उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल और यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, जिसका खामियाजा किसान को लाखों की फसल के नुकसान से चुकाना पड़ रहा है। मामला तहसील गोटेगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत कापखेड़ा के तहत ग्राम लुहारी के किसान ऋषि राज पटेल का है, जो वर्ष 2012 में उसके खेत के पास से निकली नहर जो अब अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण प्रतिवर्ष जब भी पानी छोड़ा जाता है तो खेत में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है।
परंतु कभी विभाग के द्वारा नहर सुधारने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और नहर में कचरे एवं झाड़ियां पौधों से भर गई है। कभी नहर की सफाई नहीं की जाती और क्षतिग्रस्त नहर को इतनी शिकायतों के बाद भी सुधारा नहीं गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए नरसिंहपुर से नीरज राय की रिपोर्ट। का पानी खेत में आ गया 2012 से आज 2019 चल रहा है, 7 साल 8 साल हो गए हैं। हर साल मेरे खेत में नहर फूटती है और जब भी नहर पानी चालू होता है तो नहर का पानी खेत में भर जाता है। हर साल लगभग 4-5 एकड़ का लाखों का नुकसान मुझे होता है। आज तक शासन प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, ना ही मुझे मुआवजे के रूप में 1 रुपये भी दिया गया। 2012 से लेकर मेरे पास आज भी सारे आवेदन यहाँ मौजूद हैं। 2012 से लेकर हर साल में हर जगह हर अधिकारी, कलेक्टर महोदय, जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के पास मैंने आवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी पिछले महीने में भी मैं बल्लभ भवन में माननीय उप सचिव महोदय जी के पास भी मैंने आवेदन किया था, शिकायत की थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में भी उपाध्यक्ष महोदय को मैंने 22 फरवरी को आवेदन किया था, शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 वर्षों से आप देख रहे हैं, 2 वर्षों से ये नहर की साफ सफाई नहीं हुई है। अब ऐसे में नहर कैसे चलेगी? ये जंगल है, ये नहर नहीं है। आप खुद देख सकते हैं ये नहर नहीं है, ये जंगल है। इस वर्ष की मैं बात करूं तो लगभग 2 महीने में 3 बार इन्होंने नहर चालू करने की कोशिश की, 3 बार मेरे खेत में पानी भर गया। साफ सफाई भी नहीं होती है, कचरा जाम हो जाता है। नहर जो पिछले साल मेरी सितंबर में जो नहर फूटी हुई थी, नहर फूटी तो वहाँ पे वहीं की मिट्टी डाल के वहीं मिट्टी डाल दी इन्होंने, जबकि वहाँ टाल्स लगाना था, सीमेंटीकरण करना था, लेकिन कुछ काम नहीं किया, वहीं की मिट्टी लगा के वहीं डाल दी। अब दोनों बीमें ऐसी बैठ गई हैं तो पानी जब भी इसमें छोड़ा जाता है तो ऊपर से ओवरफ्लो होके खेत में आ जाता है। जगह जगह टाल्स फूटी हैं, क्रैक हो गए हैं, तो लीकेज होके ये खेत में आता है, बैक होके आता है। इन दोनों बीमों पे मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। जो टाल्स पट गए हैं, सीमेंटीकरण होना ज़रूरी है। जहाँ से नहर फूटी थी, जहाँ से हर बार फूटती हैं, लेकिन केवल मिट्टी डाल दी जाती है। नहर क्या मिट्टी के भरोसे रह सकता है क्या कभी? आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन 3 SP सिंह जोन के सभी मतदाताओं से 29 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान में स्वयं तो मतदान करें, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए शहडोल से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार। आगामी 29 अप्रैल 2019 सोमवार को शहडोल संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान होगा। मैं संभाग के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि 29 अप्रैल को मतदान केंद्र पहुंचकर स्वतंत्र, भयमुक्त एवं बिना किसी प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया अनुपम उपहार है। लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखना और लोकतंत्र को सशक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पवित्र कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सभी मतदान करें और अपने परिजन को मतदान हेतु प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।